today topic, and today we will discuss about electrostatic potential energy. Okay, आज हम किस पे डिस्कस करेंगे? स्थिर वैद्युत की स्थितिज ऊर्जा पर. पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? जनरल कंसेप्ट पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी वस्तु की विशेष स्थिति और आकृति के कारण, ठीक है, या कंडीशन के कारण उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है, संचित ऊर्जा होती है, उसे पोटेंशियल ऊर्जा कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, यही होता है. और गति के कारण होने वाली ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं. तो जो विशेष कंडीशन है उसके कारण उसमें स्थित ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. लेकिन यहाँ पर कंसेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर वैद्युत की स्थितिज ऊर्जा. तो स्थितिज ऊर्जा तो सेम कंसेप्ट है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसका क्या मीनिंग होगा और कैसे हम इसे समझेंगे? तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक प्लस क्यू चार्ज ले लेते हैं. अब क्या होगा, जैसे ही हम ये चार्ज लेंगे, स्थिर कंडीशन में है, क्योंकि इस यूनिट में हम सब कुछ स्टैटिक पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थित, स्थिर अवस्था में. ओके, ये चार्ज यहाँ पर है और स्थिर है. क्या होगा, इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा इसके कारण, होगा ना. अब हम क्या कर रहे हैं कि एक टेस्ट चार्ज क्यू नोट, छोटा सा हमने एक टेस्ट चार्ज लिया, धन परीक्षण आवेश लिया, इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, सपोज दैट दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट इज डी आर, तो क्या होगा, देखो ये भी प्लस है ये भी प्लस है, इसको हम इसके फील्ड में लाएंगे तो रिपल्सन लगेगा, रिपल्सन लगेगा, यानी इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, दूर भेजेगा. लेकिन हम एक्सटर्नल फोर्स इस पर अप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इसको ए से बी तक लेके आ रहे हैं, ठीक है. अब देखो ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, ये कुछ इस तरीके से हम इस टेस्ट चार्ज पे अप्लाई कर रहे हैं कि किसी भी पॉइंट पर, यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर करो, सपोज दैट दिस इज द पॉइंट, ये मैंने यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर लिया. ओके, सपोज दैट इस पॉइंट पर जो हमने इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है, तो ये भी तो कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई कर रहा होगा इस पे, ये तो कर ही रहा है ना. तो हम ये एक्सटर्नल फोर्स इस तरीके से लेंगे कि किसी भी पॉइंट पर जो ये एक्सटर्नल फोर्स होगा, ये इसके द्वारा लगे इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल होगा. यानी अगर इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर जो हमने इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है, ये किसके बराबर होगा, जो इस पॉइंट पर इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है, समझ रहे ना आप. हमने क्या किया, इस यूनिट टेस्ट को ए से बी तक इसके फील्ड में लेके आ रहे हैं कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके. अब ये एक्सटर्नल फोर्स ऐसा होना चाहिए कि किसी भी पॉइंट पर इसकी वैल्यू इसके द्वारा लगे इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल हो, ठीक है. तो ए से बी तक लाने में किया गया कार्य वर्क डन ए टू बी कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही होगा. फोर्स कितना है, हमने कितना लगाया, एफ एक्सटर्नल, लेकिन ये किसके इक्वल है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल है, तो हम इसको एफ ई लिख सकते हैं. एंड डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट डी आर विद नेगेटिव साइन, नेगेटिव क्यों आया, हमने इसको अप्लाई किया और ये इसके एफ ई के इक्वल है, लेकिन दोनों के डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इसलिए क्या आ गया यहाँ पे नेगेटिव. और कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक. तो
तो ए से बी तक लाने में हमने इस पर इतना वर्क डन किया। अब क्या होगा, हम इसको जैसे ही बी पर लेकर के आए, इस क्यू नोट को सपोज इट हमने यहाँ पर ले आए और हमने यहाँ पर जो हमारे द्वारा इस पर एक्सटर्नल फोर्स था लग रहा, इसको हटा दिया, इसको रिमूव कर दिया, तो क्या होगा, ये गति करेगा इस डायरेक्शन में, करेगा। अभी क्या करेगा, इस डायरेक्शन में गति करेगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जब गति करेगा तो इस पे जो पोटेंशियल जो हमने इस पे वर्क किया यहाँ पे, अब यहाँ से गति आराम करेगा तो किसके कारण करेगा, जो इसमें पोटेंशियल ऊर्जा संचित हो गया, हमने यहाँ से यहाँ तक लाने में इसमें कुछ कार्य किया, वह कार्य इसमें किस रूप में संचित हो गया, एनर्जी के रूप में। और ये इसकी स्पेसिफिक कंडीशन है, पोजीशन है, तो वो एनर्जी कौन सी होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब जैसे ही हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर लें तो क्या होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी और ये इस डायरेक्शन में गति करने लग जाएगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में क्या करने लग जाएगा, गति करने लग जाएगा। और किसी भी पॉइंट पर U और काइनेटिक एनर्जी K दोनों कांस्टेंट होंगे, दोनों का सम कांस्टेंट होगा, यानी U घटता चला जाएगा तो K बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जब हमने इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया और वो हमने कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि जो हम एक्सटर्नल फोर्स इस पर अप्लाई कर रहे हैं वो एग्जैक्ट इसके इक्वल होना चाहिए किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। जब ये दोनों इक्वल होंगे तो किसी भी पॉइंट पर, सपोज दैट मैं यहाँ पे इस पॉइंट को P से लिख दूँ, तो एट अ पॉइंट पी, पी पर क्या होगा, इस जो टेस्ट चार्ज है Q नॉट, इस पर जो नेट फोर्स होगा ये क्या होगा, ज़ीरो होगा। नेट फोर्स ज़ीरो होगा दैट मीन्स इसमें त्वरण नहीं होगा, ठीक है, त्वरण नहीं होगा। त्वरण नहीं होगा तो ये एक समान चाल से क्या करेगा, गति करेगा, एक समान चाल से गति करेगा। तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। हमने क्या किया, एक चार्ज लिया स्थिर कंडीशन में, इस चार्ज के चारों ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें हमने एक दूसरा टेस्ट चार्ज लिया है। इस टेस्ट चार्ज पे हमने जब ले आए तो इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, वो एक्सटर्नल फोर्स इस तरीके से होना चाहिए कि हर एक पॉइंट पर वो एक्सटर्नल फोर्स इस चार्ज के द्वारा लगाए गए इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल होना चाहिए, ओके। तो उस कंडीशन में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन किया गया इसे ही पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, इसे ही क्या कहेंगे, हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। अब डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन क्या है, किसी स्थिर विद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में की ओर, इसकी ओर, ठीक है, फिर से, किसी स्थिर विद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को किसी एक बिंदु से विद्युत क्षेत्र की ओर ले जाने में किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो डेफिनेशन हो गई, स्थिर विद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को किसी बिंदु से क्षेत्र की ओर ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। अब एक और चीज़ मैं देखिए, यहाँ पे इसके हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, यानी ए पॉइंट पे भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी और बी पॉइंट पर भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। सपोज दैट बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी है यू बी और ए पर है यू ए, तो एक बात बताओ, ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी बी पर होगी या ए पर होगी, किस पे होगी, बी पे होगी ना, क्योंकि ए दूर है तो यहाँ तक लाने में कम कार्य करना पड़ेगा, जबकि यहाँ से जैसे जैसे नज़दीक लाएंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता चला जाएगा, ये बढ़ता चला जाएगा तो ये हमको बढ़ाना पड़ेगा और ये बढ़ाना पड़ेगा तो वर्क डन बढ़ेगा। इसका मतलब इधर आते हुए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी,
बढ़ जाएगी. दैट मीन्स यू बी इज ग्रेटर देन यू ए. तो यू बी माइनस यू ए, यही तो इनके बीच की टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी. यहाँ पे भी इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पर भी कुछ है. इन दोनों के बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी हो क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है. तो दैट मीन्स दिस इज द डेल्टा यू. और किसके बराबर है, वर्क डन. और वर्क डन कौन सा, ए से बी तक लाने में किया गया कार्य. दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी. किसी स्थिर वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को किसी बिंदु से क्षेत्र की ओर लाने में किया गया कुल कार्य उसका पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है. अब देखो ये वाला पॉइंट चूज करने में हम फ्री हैं, कहीं भी इसे चूज कर सकते हैं. ठीक है, तो सपोज दैट मैंने इसको चूज किया इन्फिनिटी पे, यानी ए इक्वल टू इन्फिनिटी. तो जब ए इक्वल टू इन्फिनिटी होगा तो यू ए कितना हो जाएगा, ज़ीरो. और ये वैल्यू यहाँ रखें तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इन्फिनिटी बी इक्वल टू डेल्टा यू. दैट मीन्स यू बी माइनस यू इन्फिनिटी, दैट मीन्स यू बी, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो यहाँ से इसकी दूसरी डेफिनेशन इस प्रकार से बन सकती है कि अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को किसी स्थिर वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कुल कार्य उसके उसमें संचित पोटेंशियल ऊर्जा होती है, उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा कहलाती है. तो ये छोटा सा कंसेप्ट था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कंसेप्ट है. पोटेंशियल एनर्जी सिंपल मीनिंग है किसी विशेष कंडीशन की कारण वस्तु में स्थित ऊर्जा. ठीक है, यहाँ पर हमने क्या क्या स्थिर वैद्युतिकी में इसको पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से पढ़ा. तो एक चार्ज लिया और ये चार्ज हम जो टेस्ट, एक चीज़ और है, जो ये टेस्ट चार्ज है ये बहुत इसके कंपैरिजन नगण्य है, यानी ये जब इसके फील्ड में आएगा तो इसके फील्ड पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा. ठीक है, ऐसा नहीं कि इतना बड़ा ले आए वो इसके फील्ड को अफेक्ट करे, ये बहुत छोटा है इसके कंपैरिजन. तो जब इसको लाएंगे तो इसके फील्ड में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. तो दो तरीके से इसकी डेफिनेशन बन सकती हैं, पहली डेफिनेशन एंड दूसरी डेफिनेशन. ठीक है, ये इसकी पहली डेफिनेशन हो गई और ये इसकी दूसरी डेफिनेशन. पहली डेफिनेशन क्या हो गई, किसी स्थिर वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु से क्षेत्र की ओर धन परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य उसमें कुल स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, दिस वन. एंड दिस, अनंत से किसी स्थिर वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य उसमें पोटेंशियल ऊर्जा के रूप में संचित होता है. एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, तो यूनिट क्या हो जाएगी, जूल हो जाएगी. डायमेंशन कितनी हो जाएगी, एम एल टू टी माइनस टू, सेम एज द वर्क. ओके, देन दिस इज टूडेज टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. तो आज हमने ये टॉपिक डिस्कस किया एंड इट्स इनफ फॉर टुडे. नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटी. ठीक है, वैद्युत धारिता अब हम डिस्कस करेंगे, तो इसे देख लीजिएगा. आई होप समझ में आ गया होगा आपको, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा. ओके, देन इट्स इनफ फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट डिस्कशन में.